वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैशी की दुनिया। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं। मैं भी ठीक हूँ। और आज जो हम अपने किचन में बना रहे हैं वो है खड़े मसाले का कीमा, जिसमें एक पाव कीमा है और दो अदद टमाटर है और दो अदद ही प्याज है, जिनको मैंने ऑमलेट की तरह कट कर लिया है। और 2 टेबल स्पून हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, जिसमें जाएगा साबुत धनिया 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून है गरम मसाला, लेकिन उसको मैंने क्रश नॉर्मल किया है, जिसमें मोटा मोटा दिख रहा होगा आपको, इतना सॉफ्ट नहीं है। और इसके अलावा 1/2 टीस्पून हमारी इसमें हल्दी है और 1 टेबल स्पून इसमें रेड चिली है, जो कि कुटी हुई लाल मिर्ची भी इसमें मिक्स है। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपनी रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, पैन में हमने ऐड कर लिया है 1/2 कप ऑयल। अब इसमें ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, जैसे ही लहसुन हमारा और अदरक हमारा ब्राउन हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे कीमा। तो फ्रेंड्स, अदरक लहसुन हो चुका है हमारा हल्का हल्का सा ब्राउन, अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना कीमा। फ्रेंड्स, अब इसमें ऐड कर दिया है हमने कीमा, कीमा भी हो चुका है हल्का हल्का सा, इसमें ब्राउन लुक आना शुरू हो चुका है। और जैसे ये हो जाएगा अब इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज और टमाटर। फ्रेंड्स, अब इसमें ऐड कर दिया है हमने प्याज, प्याज को थोड़ा सा इसमें हल्का सा होने देंगे लाइट पिंक, देन इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। फ्रेंड्स, प्याज हो चुका है हमारा लाइट पिंक, अब इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर। फ्रेंड्स, अब हम इसमें जो खड़े मसाले हैं वो ऐड कर देंगे, जिसमें रेड चिली है 1 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून हमारी हल्दी है, 1 टेबल स्पून हमारा जो है इसमें गरम मसाला है, जो इतना ज़्यादा क्रश नहीं है, नॉर्मल क्रश है, जिसमें वो भी ऑलमोस्ट उसमें काली मिर्च और ज़ीरा वगैरह सब नॉर्मल है। और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 ग्रीन चिली हैं, जिनको मैंने कट कर लिया है, और साथ ही थोड़ा सा धनिया है और साबुत धनिया 1/2 टीस्पून है। फ्रेंड्स, अब इसमें मैंने 2 मिनट के लिए स्पून चलाया है और जो सारे मसाले हैं वो मिक्स हो गए हैं अच्छे से। अब इसको हम ढक देंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद हम इसमें स्पून चलाएंगे। हो चुका है मेरा खड़े मसाला का कीमा, अब इसे मैं डिश आउट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, रेडी हो चुका है मेरा खड़े मसाला का कीमा, इसे मैंने डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। इसमें मैंने 1 पाव कीमा लिया था, इसमें 1 टेबल स्पून मैंने ग्रीन जो रेड चिली है वो इस्तेमाल की थी, और 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक ऐड किया था, और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया, 1/2 टीस्पून मैंने साबुत धनिया इस्तेमाल किया, और इसके अलावा मैंने इसमें 2 अदद प्याज इस्तेमाल किए थे और 2 ही अदद इसमें टमाटर ऐड किए थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।